देवघर विधायक नारायण दास के समर्थक और सांसद निशिकांत दुबे के समर्थकों के बीच हुए मारपीट और थाना में एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने के बाद अब ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ नारायण दास के समर्थक निशिकांत दुबे के समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सांसद के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता अब खुलकर विधायक नारायण दास के खिलाफ पुतला दहन और आक्रोशित मार्च निकाल रहे हैं। बैठक चल रही थी तो बाद में हम लोग जाकर मिले तो वहां जाकर हम लोग को धक्के मार कर निकाल दिया गया। पहले ये लोग को हटाओ यहाँ से, तो हम लोग पार्टी फोरम पे हम कार्यकर्ता हैं, हम लोग दिन रात मेहनत किए लोकसभा के चुनाव में। मुझे वीडियो बैंक का संयोजक भी बनाया गया गोड्डा लोकसभा का, तो हम लोग का हक है कि वहाँ जाके पार्टी फोरम में हम लोग बात रखें। तो फिर नारायण दास जी को क्यों, हमारे विधायक जी को क्यों वो बात अखरा? तो मैं यही पूरे पार्टी से मांग करती हूँ कि ऐसे विधायक पे कार्रवाई हो जो महिला का सम्मान नहीं करते हैं और कहते हैं कि नहीं चलेगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि पार्टी ने विरोधी नेता नारायण दास को पार्टी से बर्खास्त करे। इन्होंने मोदी जी के चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य किया है जिसका हम लोग ने विरोध किया, तो हम लोग को गुंडा की उपाधि उन्होंने दिया है। उन्होंने हम लोग पार्टी में पूर्व पदाधिकारी रह चुके हैं, मुकेश पाठक पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुका है, मैं प्रभुत प्रकोष्ठ का जिला का संयोजक रह चुका हूँ, वो हम लोग को गुंडा बोलते हैं क्योंकि उनको हम लोगों ने आईना दिखाने का जो काम किया उसका उन्होंने पट्टिकार दिया, हमारे हम लोग को गुंडा के रूप में हम लोग को दिया।